हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज की कहानी एक भोजपुरी एक्ट्रेस की रहस्यमय मौत की लेकर है। इस मौत को बहुत सारे लोग सुशांत सिंह राजपूत की मौत से भी जुड़ रहे हैं। बनारस के एक होटल में आकांक्षा दुबे की लाश मिलती है 26 मार्च की सुबह। करीब 26 साल की उम्र और भोजपुरी फिल्म की एक बहुत ही उभरती हुई अदाकारा, बेहतरीन डांसर। YouTube में उनके कुछ ऐसे वीडियोज हैं, एक एक वीडियो में 2 करोड़ से ज़्यादा व्यूअर्स हैं। 2-3 सुपरहिट फिल्मों में भी काम कर चुकी थी। उनकी अगली फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसका नाम है लायक नहीं नालायक हूँ मैं। शूटिंग के लिए वो यूपी गई हुई थी। 21 तारीख तक शूटिंग बनारस के करीब कहीं और थी। 21 को शूटिंग करने के बाद 22 को बनारस में सौमेंद्र रेसिडेंसी होटल में वो और पूरी टीम चेक इन करते हैं। आकांक्षा रूम नंबर 105 में रहती है। 22 को पहुंची, 23 को शूटिंग थी, 24 को अपडे और फिर 25 को एक बर्थडे पार्टी थी। इसी होटल से दूसरी जगह कहीं और। आकांक्षा उस पार्टी में गई और देर रात होटल लौटती है। ये फुटेज होटल के CCTV कैमरे में कैद है। जब वो गाड़ी से उतरी तो उनके साथ एक और शख्स था और आकांक्षा लड़खड़ा रही थी, हो सकता है शायद अल्कोहल की वजह से। वो दूसरा शख्स उनके साथ कमरे में जाता है और कमरे में लगभग 17 मिनट रुकता है। उसके बाद वो बाहर आता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। अगले दिन संडे था और उस दिन शूटिंग थी, तो शूटिंग को जाने से पहले मेकअप आर्टिस्ट का काम होता है कि वो एक्टर और एक्ट्रेस को तैयार करे। तो सुबह उनकी मेकअप आर्टिस्ट आकांक्षा की कमरे की घंटी बजाता है लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर वो आकांक्षा के मोबाइल पर कॉल करता है लेकिन उधर भी कोई जवाब नहीं मिलता। ये सिलसिला बहुत देर तक चलता रहा। फिर उसे कुछ डाउट होने लगा। वो नीचे जाकर मैनेजर को सब बताता है और सब ऊपर जाते हैं। साथ में एक फीमेल भी थी। बहुत सारे चाबी ट्राई करने के बाद फाइनली एक मास्टर की से दरवाज़ा खुल जाता है। क्योंकि अंदर आकांक्षा थी, क्या पता वो किस हाल में हो, इसीलिए वो लेडी पहले रूम के अंदर जाती है। लेकिन उसने एक कदम ही अंदर रखा फिर वो चीखती है। बाहर खड़े कुछ लोग फिर अंदर जाते हैं और जब वो रूम की हालात देखते हैं उल्टे पैर वो सब भागने लगते हैं। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस पहुंची। रूम के अंदर एक बेड था। बेड के बाई तरफ बिल्कुल किनारे पर आकांक्षा बैठी हुई थी। उसके गले में एक फंदा कसा हुआ था। फंदे का दूसरा साइड ऊपर पंखे में था और वो एक ब्लू कलर का सूट पहनी हुई थी और वो उस फंदे के अलावा बिना कई सहारे के बैठी हुई। फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और पता चला कि वो मर चुकी है। आकांक्षा के फैमिली वाले मुंबई में रहते हैं। जब पता चला तो माँ और बाकी लोग बनारस भागे। इधर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, पूरे कमरे की छानबीन कर ली लेकिन कोई सुइसाइड नोट नहीं मिला। आकांक्षा की सोशल मीडिया अकाउंट से, मतलब इंस्टाग्राम से पता चला। लगभग उसी रात 2:30 बजे आकांक्षा इंस्टाग्राम पे लाइव आई थी जिसमें वो रोती हुई दिखाई पड़ती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह था कि दम घुटने से मौत हुई है। सिर्फ गले में निशान था जो कि शायद हैंगिंग के निशान थे। बाकी पूरे जिस्म पर कहीं भी चोट का कोई निशान नहीं मिला। पुलिस का पहला शक उस आदमी की तरफ गया जो उस रात आकांक्षा के साथ आई थी। पता चला उसका नाम संदीप सिंह है। आकांक्षा को ना सिर्फ होटल तक चढ़ने आया था बल्कि वो उसके कमरे में भी 17 मिनट तक था। पुलिस ने उससे पूछताछ की और वो फिलहाल बेकसूर निकला। उसने ये बताया कि वो सिर्फ लिफ्ट दिया था आकांक्षा को उसके रूम पर। फिर पुलिस ने उसकी मोबाइल डिटेल्स और सारी चीज़ें खंगाली और लगभग पुलिस ने उसे क्लीन चिट दे दिया। तो सुइसाइड नोट है नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस ये मान के चल रहा है कि सुइसाइड है, लेकिन क्यों? अब माँ ने आकर कुछ बात बताई। फिर बनारस पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। नाम आया 2 लोगों का, एक समर सिंह जो कि भोजपुरी के एक नामचीन सिंगर है
और आकांक्षा के साथ बहुत सारे वीडियो में काम कर चुका है। लास्ट वैलेंटाइंस डे पे आकांक्षा ने समर सिंह के साथ दो पोस्ट किए थे और हैप्पी वैलेंटाइंस डे भी लिखा था। बात ये भी है कि दोनों बहुत करीब हैं एक दूसरे को काफ़ी वक्त से। समर सिंह अपना वीडियो और एल्बम ये सब बनाता है, आकांक्षा उसके साथ इन्हीं वीडियो में काम करती है। दोनों की जोड़ी को लोग भी खूब पसंद करते थे, लेकिन घर वालों का ये कहना था कि समर सिंह नहीं चाहता था कि आकांक्षा किसी और डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करे। वो चाहता था कि वो सिर्फ उसी के साथ काम करे। और दूसरा इल्ज़ाम ये था कि आकांक्षा ने समर सिंह के साथ बहुत सारे वीडियोज में काम किए, लेकिन वो पैसा नहीं देता था। जब ये पैसा मांगती थी तब वो धमकाता था। ये आकांक्षा की माँ का इल्ज़ाम है। उन्होंने कहा कि 21 मार्च को जिस दिन आखिरी शूटिंग थी बनारस के बाहर, उस दिन आकांक्षा शूट कर रही थी। तभी उसने देखा कि समर सिंह का एक बहुत ही करीब संजय सिंह एक नई गाड़ी लेकर वहाँ पर पहुँचा। आकांक्षा ने उससे कहा कि आप दूसरे के पैसे से ऐस करते हो, हमारे पैसे तो हमें देते नहीं हो और खुद ये सब नई गाड़ी और वगैरह वगैरह खरीद रहे हो। तो उसके बाद समर सिंह से धमकी आई कि हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। आकांक्षा ने ये बात माँ को बताई थी और माँ ने पुलिस को बताई। अब पुलिस उन दोनों को ढूंढ रही है। 9 दिन से ज़्यादा हो गए लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। 3 साल की उम्र थी आकांक्षा की जब उसकी माँ बाप उसे यूपी से मुंबई ले गए थे। यूपी की रहने वाली थी, वहाँ पे इसके पिता बिजनेसमैन थे और वो चाहते थे कि उनकी बेटी यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस बने। वो बड़ी हुई मुंबई से स्कूलिंग की, लेकिन उसे यूपीएससी में इंटरेस्ट नहीं था, उसे मॉडलिंग और फिल्मों में किस्मत आजमानी थी। शुरुआत हुई टिकटॉक से, आपको याद होगा अब तो इंडिया में बयान है। टिकटॉक में उसने रील्स बनाई और बहुत पॉपुलर हुई। फिर इंस्टाग्राम पे आई, इसी वीडियोस को देखकर कुछ भोजपुरी डायरेक्टर्स ने उसे अप्रोच किया। इसके बाद आकांक्षा ने कसम पैदा करने वाले की टू, वीरों के बीच जैसे फिल्मों में काम किया और ये काफ़ी हिट फिल्में हुई और भोजपुरी एल्बम वीडियोज में भी बहुत पॉपुलर थी। अब पुलिस इसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार सुइसाइड मान रही है। मैं आपको अभी ये नहीं बता सकता कि ये मर्डर है या सुइसाइड, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक बात ये भी है कि बीच में कुछ दिन आकांक्षा ने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया था। वजह ये थी कि उसे कई लोग ताना मारते थे कि तुम्हें ठीक से डांस नहीं आता, एक्टिंग नहीं आती, और वो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी और उस वक्त वो डिप्रेशन के दवा भी ले रही थी। और अब कहते हैं कि वैलेंटाइंस के बाद उसका समर सिंह से ब्रेकअप हो गया और इसके बाद वो टूट गई। शायद इसीलिए उसने अपनी जान दे दी। लेकिन सवाल ये है कि अगर उसने सुइसाइड किया तो समर सिंह और संजय सिंह भागे क्यों और बेड पे बैठकर कोई फांसी कैसे लगा सकता है। उम्मीद है इन सब का जवाब हमें धीरे धीरे आगे मिलता रहेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।